हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज की वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जो कि चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, तो भाई देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास शॉर्ट है, तो हम शॉर्ट की तरह ही लेके चलेंगे, बट टू द पॉइंट बात करेंगे। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस होता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया था बोरस के मॉडल में, कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो होता है जो कंटिन्यूस होता है, यानी या तो सारी वेवलेंथ आपको जो है आपको नज़र आ रही हो, सारी की सारी, कोई भी मिसिंग ना हो, या सारा का सारा ब्लैक बॉडी हो। ठीक है, ब्लैक बॉडी। ओके, तो ये होता है कंटिन्यूस। लाइन स्पेक्ट्रम ये होता है, आपको कभी ऐसा होता है कि पूरा ब्लैक होता है, बट ये पूरा ब्लू जो है, समझ लो ब्लैक है, पूरा ब्लू ऐसा होता है, बट कुछ पॉइंट पर आपको लाइनें नज़र आती हैं, बाकी पूरा का पूरा ब्लैक होता है। मतलब यहाँ पे जो ब्लू लगा रहा हूँ ये ब्लैक है। ठीक है, तो यहाँ कभी ऐसा होता है कि पूरा भरा हुआ होता है, जो हमारे पास ये स्क्रीन होती है डिफरेंट कलर्स के साथ, वेवलेंथ्स के साथ भरी हुई होती है, लाइक दिस। रे यहाँ पे ये हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ग्रीन पोर्शन हो गया, ठीक है, थोड़ा ये हो गया पोर्शन, रेड पोर्शन हो गया, बट ये जो ब्लैक कलर की चीज़ होती है ना, बीच बीच में लाइनें आती हैं, ये एक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है ना, एक ऑब्जॉर्प्शन होता है, एक होता है इमिजन। ठीक है, तो भाई देखो ये होता है, तो बुक में डिफरेंस नहीं है, तो एक मेरे पास है ये पिक, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये अच्छा खासा लिखा हुआ है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज़ द सुपर इम्पोज इमेज ऑफ द बोथ ऑब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोथ एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है, जो है हमारे इमिशन भी हो रही होती है एक टाइम पर। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर कोई भी गैप्स वगैरह नहीं होते। लाइन स्पेक्ट्रम इधर एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एन इमिशन स्पेक्ट्रम, या तो ये एब्जॉर्प्शन का होता है या तो इमिशन का, जैसे हमने हाइड्रोजन के आइटम में देखा था। ठीक है, कंटेन नो ऑब्जर्वेबल गैप्स, कोई भी गैप्स नहीं होते, दे आर ह्यूज गैप्स बिटवीन लाइन्स, लाइन्स के दरमियान वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ के दरमियान बड़े बड़े गैप्स होते हैं, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो चाहे वो इमिशन हो। कंटेन ऑल द वेवलेंथ्स ऑफ अ गिवन रेंज, गिवन रेंज की तमाम वेवलेंथ होती है, बट इसमें कुछ ही कुछ फ्यू होती हैं वेवलेंथ, या तो गायब हो जाती हैं या तो वो हो जाती हैं, किसमें हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम में। ओके, देन आखिरी ये रेनबो एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन आर एग्जाम्पल। रेनबो किसकी है? हमारे पास पूरा जो है रेनबो, जिसमें हमारे पास सारी की सारी वेवलेंथ नज़र आती है, ब्लैक बॉडी जिसमें सारी की सारी गायब हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आई आपको। इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एग्जाम्पल, या तो इमिशन हो रहा होता है कुछ वेवलेंथ का, या तो कुछ एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। ठीक है, हमने जैसे समझा था, कोल्ड किया था, हॉट किया था, ये पूरा मैंने आपको बोहर के मॉडल में समझाया था, तो ये हमारे पहले सवाल का जवाब है। देन अगर नेक्स्ट अब हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, गिव थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड, ये हमारे पास गामा रेस। ठीक है, ये तीन इन रेस की हमें क्या है प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो बुक की दुनिया में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बुक में तीनों लिखे हुए थे हमारे पास, लेट्स गो, यस, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इसमें से आपको कोई भी तीन प्रॉपर्टी लिखनी है, तो अल्फा, पार्टिकल इज कंपोज ऑफ टू प्रोटॉन, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला पॉइंट जो प्रॉपर्टी लिखनी है अल्फा पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल ये मैं आपको लगवा रहा हूँ यहाँ से लेकर, लेट मी चेंज कलर, ओके, कि आपको ब्लू ले लिया, तो अल्फ़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक, यानी पहले आपने हेडिंग डालनी है भाई अल्फ़ा पार्टिकल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, फिर पहला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इतना, देन ये लिख दिया, दे आर डिफ्रेक्टेड बाय, ये इतना दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा आपके पास पॉइंट लिखना है, ये आपने तीसरा पेनिट्रेशन पावर लिख लो, या आयनाइजेशन पावर लिख लो। ठीक है, तीसरा दोनों में से कोई लिख लो, ये तीन हो गए पॉइंट्स। ओके, छोटा है, तीन का ही काय, वरना हम चार भी लिख लेते। देन बीटा गेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेस, बीटा में लिखो एक, ये पॉइंट आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट आ गया, फिर आपके दे हैव मॉडरेट पेनिट्रेशन पावर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लो, तीन ये पॉइंट हो गए, एक दो तीन, या तीसरा इसको जो है इस वाले को काट के ये तीसरा कर लो। ठीक है, ये अच्छे लिखे हुए। ठीक है, देन थर्ड नंबर है हमारे पास क्या, गामा, गामा का पहला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ तक, देन तीसरा पॉइंट आप दे हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, ये, या ये चौथा वाला जो पॉइंट है ये वाला हमारे पास, ये कर दो। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, ये आपके पास दूसरे सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, देन अगर इसके बाद मैं आपको एक और दूसरी बात बताऊँ, कि हमारे पास अगला सवाल आ जाता है,
अगला सवाल है, व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर विच एल इज इक्वल टू जीरो, एल इज इक्वल टू वन। ठीक है, इसको मैं स्किप करवा रहा हूँ, बाद में आने वाली वीडियो में आपको ये कवर अप करवाऊँ, क्योंकि वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना जल्दी जल्दी काम कर रहा था, मैंने बुक को भी रीड आउट नहीं किया, तो मुझे इसका जवाब बनाने थोड़ा लगेगा टाइम, तो मैं इसको स्किप करवा रहा हूँ। ठीक है ना, जो आ रहे थे जो बन रहे थे मैंने वो बना दिए जितनी जल्दी हो सके। ओके, हाउ डज एन ऑर्बिटल डिफरेंट फ्रॉम ऑर्बिट, तो इसका क्या होगा, ऑर्बिटल जो होता है ऑर्बिट में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के से फ़र्क होता है, डिफरेंट होता है, यानी आपको बीच में लाइन नहीं लगानी है, इसमें आपने खाली डिफरेंट कैसे होता है इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, डिफरेंस नहीं बताना, एक्सप्लेन करना है इस डिफरेंस को। ठीक है ना, तो एक्सप्लेन जैसे कि इन ऑर्बिट इज़ द सिंपलर प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे आया फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पर मैंने आपको लिखा है इसका पूरा जवाब, यहाँ पर लिखा है इन ऑर्बिट इज़ द सिंपलर सिंपल प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इन ऑर्बिटल रिफर्स टू द डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन अ थ्री डायमेंशनल मोशन, जो कि क्लाउड की तरह होता है। एन ऑर्बिटल कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस और रीजन वेयर द इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। भाई क्या होता है ऑर्बिटल, वो होता है तीन एजीमुथल, आपने पढ़ा था चारों के चारों पढ़े थे जो भी थे क्वांटम नंबर, ठीक है ना, तीन थे ऑर्बिटल की शेप साइज ओरिएंटेशन। ओके ठीक है, समझ आएगी ये बात। दे नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास क्या, वो है एक्सप्लेन वाई द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s। तो भाई ये सवाल कहता है कि यार हम जब भी फिल करते हैं तो 4s पहले क्यों आता है, 4s पहले क्यों आता है, हम आओ प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, देखो आओ हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, क्या आपने पढ़ा था, है ना। तो भाई देखो, हम 3p के बाद डायरेक्टली 4s क्यों करते हैं यार, 3d होना चाहिए ना यार, ऐसे 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 3d होना चाहिए, 4s क्यों करते हैं, 4s में हम क्यों सुपरायर करते हैं इस कंप्यूटर टू 3d में, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है। ये भी जवाब यहाँ पर लिखा है भाई, 4s जो ऑर्बिटल होता है उसका होता है लोअर एनर्जी, ठीक है ना, और 3d की होती है ज़्यादा एनर्जी। तो आउटपाव प्रिंसिपल कहते हैं यार सबसे पहले वो शेल भरेगा जिसमें लोअर एनर्जी होगी, लोअर एनर्जी से जो जाएगा ये क्वांटम ये जाएगा हायर एनर्जी तक, पहले लोअर भरते जाएंगे, लोअर 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 फिर हायर भरते जाएंगे। ठीक है, 4s की बहुत ज़्यादा लो होती है एज़ कम्पेयर टू 3d, तो 4s पहले भर जाता है देन 3d भरता है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होकर उतनी एनर्जी चाहिए होगी 4d तक जा 3d की तक जाने के लिए, एक हाई अमाउंट की एनर्जी चाहिए, जबकि 4s की बहुत ज़्यादा कम है, तो वो 4s में पहले जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आई। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर भैया के मॉडल के क्या डिफेक्ट्स हैं, अच्छे खासे डिफेक्ट थे, ठीक है ना, तो वो अच्छे खासे डिफेक्ट अभी लिखते हैं हम चुन चुन कर। ठीक है, आ जाओ बोहर के मॉडल पर। ठीक है, तो ये डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल है, तो ठीक है, आपने क्या आइडेंट डालनी है, द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी और बोहर एटॉमिक मॉडल, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर आपने क्या डालनी है, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, द डिफेक्ट्स ऑफ, जो मर्जी करे लिख देना। सबसे पहला ये लिखना है बोहर्स मॉडल ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन, ये यहाँ तक लिख लेना है, दूसरा जो है इतना ही लिख लेना है। ठीक है, तीसरा भी आप लोगों ने ये लिख लेना है, चौथा भी ये लिख लेना है। ठीक है ना, ये डिफेक्ट्स हैं, इतना पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। पांचवा है ये स्टार्क एंड ज़ीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और मैंने बोहर्स के एटॉमिक मॉडल की वीडियो में इंशाल्लाह ताला और भी हैं जो कि हायर हैं, बट मैं आपको इंपॉर्टेंटली समझा भी दूंगा। ठीक है, चार लिखे हुए थे वो यहाँ तक आपने लिख लेने। ओके गाइज, यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है, मेंशन द जो है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आउटपुट प्रिंसिपल के मुताबिक। तो भाई सबसे पहले तो ये आपने छोटी क्लास में देखा होगा, ये जेड वाला ही दिया जाता है भाई, इतने इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये कुछ भी है, तो भाई ये गलती मत करना। यहाँ पर बी आर माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को देखो, माइनस मतलब इसमें से जेड इज इक्वल टू 35 है, मतलब एटॉमिक नंबर ये है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास एक कम होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास 34। ठीक है, 34 होगा इसके पास, नहीं होगा 36 होगा, माइनस आ रहा है ना इसके पास, मतलब एक ज़्यादा भर गया, 36 हो जाएगा इसके पास। और देन इसके बाद हमारे पास कैल्शियम प्लस टू, मतलब इसका 20 है, तो मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए तभी तो प्लस टू चार्ज है, मतलब इसके पास CA के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18। इस बात को ध्यान में रखिएगा, पागलपंती मत कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, पेपर में आपको पागल कर सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम एफ ई लिख लेते हैं जेड इजिकल 26, मतलब इसके पास हमारे पास क्या है, 26 हैं, 26 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास। तो हम इसकी जो है कर लेते हैं, हमने जो पढ़ा था सबसे पहले हम कैसे इसको जो है फिल करेंगे, हम इसको कैसे फिल करेंगे, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, तो ऐसे हम फिल करते हुए आ रहे थे, ठीक है। तो भाई इधर दो आ गए, इधर दो आ गए, ठीक है ना। इसको कलर में चेंज करूं, कलर चेंज करूं, ओके। तो भाई यहाँ पर दो आ गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो आ गए, यहाँ पर छः आ गए, दो आ गए, छः आ गए, दो आ गए, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर 10 आ जाएंगे, तो दो 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 चार, इधर 8 हो गए, इतने 8 हो गए इलेक्ट्रॉन, 8 + 12 = 20 हो गए, 20 हो गए। 20 के बाद हमारे पास 6 और थे, यहाँ पर 6 आएंगे जस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर 6 आएंगे जस्ट, इधर हो जाएगा 26, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या बनेगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बन गई इजीली। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सवाल, ठीक है। तो इसके बाद ये Br- मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके पास, ठीक है ना। नेगेटिव तभी तो चार्ज आएगा जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा इसमें यार, ठीक है। तो मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका Z35 है, मतलब इसके पास 36 है, ठीक है। इधर 36 अगर मैं कर दूँ तो इसके पास मैं इलेक्ट्रॉन की जो है लिखता जाऊँ कितने क्या होगा, ठीक है। दो इधर आ जाएंगे, तो डार्क कलर अगर मैं लूँ, ब्लू कलर लूँ, तो दो इधर आ जाएंगे, छः इधर आ जाएंगे, दो इधर आ जाएंगे, छः इधर आ जाएंगे, दो इधर आ जाएंगे, 10 इधर आ जाएंगे, कितने हो गए, दो दो 8, 8 और 12 कितने हो गए हमें, 20 हो गए टोटल, ठीक है। 20 के बाद 10, 30 हो जाएंगे, 30 के बाद हमारे पास बाकी कितने 6 बचे, 6 के 6 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, 6 के 6 यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 नहीं होगा, 3p6 के बाद क्या आएगा, 4s2, देन इसके बाद आएगा 3d10, देन इसके बाद आएगा 4p6, ओके। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ठीक है, किसकी, Br- की, Br- की आई है, Br की नहीं आई है, Br- की आई है, ठीक है। इसके बाद आ गया कैल्शियम, कैल्शियम के पास +2 कैसे आएगा, जब ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, मतलब इसके पास Z=20, मतलब 20 में से -2 कर दिया हमने, 18 आंसर आएगा, ठीक है, 18 आंसर आएगा, मतलब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर मैं Ca+2 लूँ, इफ़ आई एम टेकिंग Ca, कैल्शियम प्लस का 2, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, इलेक्ट्रॉन = 18। तो मैं अगर इसकी लिखूँ यहाँ पर, इधर दो आ जाएंगे, इधर दो आ जाएंगे, इधर 6 आ जाएंगे, इधर दो आ जाएंगे, कितना हो गया ये, और इधर 6 आ जाएंगे, मतलब यहाँ पर हो गया 6 6 12 12, और 6 कितने हो गए, 18, यानी इसका 18 ऐसे हो गया, 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2, 3p6, मतलब ये इतना कैंसिल हो जाएगा यहाँ तक। तो इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, किसकी, Ca+2 की है, Ca+2 की है भाई ये। देन अगर हमारे पास कुछ और हो जाता, Ca20 हो जाता, हम इसको 4s2 कर देते, ठीक है, 4s2 कर देते, ठीक है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को, तो ये हमारे पास था सॉल्यूशन 7 में से 6 सवालों का। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।